बिग सैड अपडेट ये है कि सीरियसली ये अब डिसकंटिन्यू होने वाली है, ये अपडेट फाइनल हो चुका है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जस्ट मैं अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे आया हूँ एंड सीरियसली मुझे एक सबसे सैड बिग अपडेट सुनने को मिला है। वो क्या है वो मैं बताऊंगा वीडियो में, बट प्लीज़ जो भी वीडियो में न्यू है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। सो चलते हैं बाइक के पास एंड बताता हूँ वो क्या सैड अपडेट है, तो लेट्स गो। ओके तो फ्रेंड्स, ये जो आप बाइक देख रहे हैं बुलेट स्टैंडर्ड 350, सीरियसली ये अब डिसकंटिन्यू होने वाली है, ये अपडेट फाइनल हो चुका है एंड ये 15 फेब तक आपको शोरूम्स में देखने को मिलेगी एंड उसके बाद भी देखने को मिलती है तो इसका मतलब समझ लेना कोई ओल्ड स्टॉक होगा डीलरशिप के पास, तो वो आपको मिल रहा है। अदरवाइज़ ये मार्च में रीलॉन्च होगी, मार्च या मार्च के बाद बोल सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो चेंजेस होने वाला है वो मेरे को भी पता लगा है। J1 सीरीज के साथ ये गाड़ी आने वाली है। सेकंड थिंग, इसमें जो सेल्फ नहीं आता था पहले वो कंपनी अब सेल्फ भी देना स्टार्ट कर देगी एंड ये कि किस्में से हट जाएगी। तो सीरियसली अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे ये अपडेट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज रॉयल एनफील्ड का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉडल था बुलेट 350 एंड इसको कंपनी डिसकंटिन्यू कर दे, डिसकंटिन्यू तो नहीं बट बोले इसमें वाइब्रेशन हट जाएगा एंड सेल्फ आ जाएगा, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा है। क्योंकि यार इस बाइक का जो फीलिंग है ना वो वाइब्रेशन के साथ ही है, क्योंकि देखो इसके साइड में स्टिल तो ब्लैक भी खड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको J1 सीरीज देखने को मिलती है, इसमें आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। बट सीरियसली इस बाइक का जो रिदम है ना वो अलग है, ये सिर्फ इसमें सेल्फ आपको देखने को नहीं मिलता है, ओनली ये बाइक किक के साथ आती है, आपको किक मारनी होती है तो किक काफ़ी हार्ड होती है। इसके बाद कंपनी ये कुछ चेंजेस कर रही है, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा मेरे हिसाब से क्या क्या चेंज होने चाहिए बाइक के अंदर। तो पहला मैं बताना चाहूँगा प्लीज़ इसकी सीट को थोड़ा सा चेंज कर दे रॉयल एनफील्ड, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ काफ़ी पतला है, तो मैं ये भी थोड़ा सोचूंगा कि अगर जो भी नई बाइक लॉन्च हो रही है रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड, उसमें टायर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। एंड सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ नोटिस किया है मैंने, प्लीज़ रॉयल एनफील्ड इस बाइक के अंदर तो डुअल डिस्क देना, रॉयल एनफील्ड डुअल डिस्क दे मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको सिंगल डिस्क देखने को मिलता है एंड हम चाहेंगे कि मार्च में जो भी ये रिलॉन्च होके आती है बाइक, इसमें आपको डुअल डिस्क देखने को मिले एंड जो इसमें हेलोजन आपको सेटअप देखने को मिलता है फ्रंट में, जो आप ये हेडलाइट देख रहे हैं इसके अंदर जो हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है ये इसको चेंज करें या फिर इसमें आपको LED देखने को मिले मे बी। एंड जो इस बाइक का जो लुक है वो गोल्डन स्ट्रिप के साथ ही देखने को मिलता है एंड जो आप ये बेजिंग देख रहे हो एज इट इज़ रहने वाली है। वैसे बाइक में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, मे बी हो सकता है कि आपका ये जो इंजन है ये तो चेंज होने वाला ही है और एंड इसके बाद आपका सेल्फ आ जाएगा कि हट जाएगी, बट देखते हैं, सुनने को यही आया है अपडेट में। बट कंपनी अगर टंकी चेंज करती तो सीरियसली ये हर्ट ब्रोकन होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो इस बाइक को बाय करते हैं ना वो सिर्फ इसके टंकी के लुक की वजह से बाय करते हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज इस बाइक का जो लुक आता है वो अलग आता है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि इसकी जो की है वो भी अपडेट हो जाए, वो भी आपको क्लासिक की तरह देखने को मिले, तो अब वेट करना होगा हमें, क्योंकि मैं जस्ट आया था कुछ ही काम से एंड फिर मेरे को एक अपडेट मिला, क्योंकि मैं सीरियसली बताऊँ तो 7 या 10 दिन हो गए मेरे को, तो मैं आया, भैया ने मेरे को बताया कि यश एक अपडेट होने वाला है, अपडेट बहुत बेकार है, वो यही है कि इस बाइक में से सब कुछ चेंजेस होने वाला है, तो हिस्ट्री विल बी चेंज है, हिस्ट्री दोबारा चेंज होने वाली है पूरी, क्योंकि ये इतिहास था रॉयल एनफील्ड में अब तक की सबसे मोस्ट सेलिंग बाइक, सबसे मोस्ट आइकॉनिक बाइक रॉयल एनफील्ड की वो यही है। अगर आपको नहीं पता है, काफ़ी बुलेट लवर्स हैं जो सिर्फ जानते हैं कि क्लासिक आती है रॉयल एनफील्ड आती है, बट मैं बताना चाहूँगा ये जो बाइक है ये एक इतिहास है रॉयल एनफील्ड में, क्योंकि ये बाइक सन 1949 से चली आ रही है एंड सीरियसली इस बाइक का जो लुक है ना वो सीरियसली एक नंबर है। आप देख सकते हो दोनों बाइक सामने खड़ी हुई है, स्टैंडर्ड एंड क्लासिक, एंड मच मोर बेटर देन स्टैंडर्ड, बिकॉज इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है, एवरेज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो वेट करते हैं हम, देखते हैं कब कैसा सीन निकल के आता है। तो यार मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस बाइक में जो आप एक्सेलरेट करते हैं जो वाइब्रेशन होता है, जो एक फीलिंग आती है बाइक चलाने की, वो सीरियसली इसी बाइक में आपको देखने को मिलती है। तो लेट्स गो, वेट करते हैं क्या चेंजेस करती है कंपनी इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एट द एंड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इस बाइक को नियर बाय शोरूम्स में आप 15 फेब तक ही देख पाओगे, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। मार्च के ख़त्म होने के बाद मार्च अप्रैल के स्टार्टिंग में शायद मे बी आपको नया मॉडल देखने को मिले।
इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 महीने पहले वीडियोस बना चुका था, बट मे बी अब मुझे कंफर्म हो चुका है क्योंकि अभी मैं शोरूम पे आया तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सो मिलेंगे फिर एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।